दोस्तों, एमएक्स प्लेयर के बारे में आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए सबसे पॉपुलर जो मीडिया प्लेयर हैं वो है एमएक्स प्लेयर। और दुनिया में बहुत सारे लोग जो है एमएक्स प्लेयर को यूज़ करते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, और शायद आप भी करते होंगे एमएक्स प्लेयर का यूज़। लेकिन इसमें सबसे प्रॉब्लम वाला जो बात होता है, अगर हम इंटरनेट को ऑन करके एमएक्स प्लेयर को ऑन करें तो वहाँ पर बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट होता है, और आप भी झेलते होंगे ये प्रॉब्लम को। लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं एक रेडमी डिवाइस को यानी Xiaomi डिवाइस के, तो आप बहुत ही आसानी से जो है एक चुटकी में जो है आपकी एमएक्स प्लेयर की एडवर्टाइजमेंट को रिमूव कर सकते हैं कभी भी। तो आज ये वीडियो आप देखते रहिए, इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप Xiaomi डिवाइस में एमएक्स प्लेयर की एडवर्टाइजमेंट को रिमूव कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव विजय में आपका स्वागत है। चलिए इस ट्रिक्स को हम जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं एक वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होता है जो बिना सोचे समझे मेरे वीडियोस को फेक कह देते हैं। तो देखिए, मैं एक वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हूँ और मैं अभी खोल लेता हूँ एमएक्स प्लेयर को। तो देखिए, खोलने के बाद मैं अभी यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद ही जो मैं है यहाँ पे बहुत सारा ऐड दिखाई देगा। देखिए, अगर मैं कोई भी फोल्डर खोलूँ तो उसके अंदर एड्स हैं। अगर मैं वीडियो भी प्ले करूँ, जो अभी नहीं करने वाला हूँ, लेकिन वीडियो भी मैं अगर प्ले करूँ तो उसके अंदर भी ऐड शो होगा। तो चलिए हम सीख लेते हैं कैसे आप Xiaomi डिवाइस के अंदर जो है, सिर्फ Redmi डिवाइस के अंदर आप एडवर्टाइजमेंट को एमएक्स प्लेयर में से रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम Redmi डिवाइस में सिक्योरिटी ऑप्शन को खोल लेते हैं। देखिए, ये अगर आप यूज़ करते हैं एक Redmi डिवाइस को, आप जानते हैं एक सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है, और उसके अंदर जो है एक डेटा यूजेस का ऑप्शन होता है जो पानी की बूंद का आकार में होता है। देखिए, डेटा यूजेस, उसके अंदर आपको दबाना है, तो मैं उसे दबा देता हूँ। दबाने के बाद देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन होगी उसके अंदर। देखिए, दो ऑप्शन है, एक है रेस्ट्रिक्ट डेटा यूजेस, उसके ऊपर आपको दबाना है। तो रेस्ट्रिक्ट डेटा यूजेस के ऊपर मैं दबा देता हूँ। दबाने के बाद देखिए, यहाँ पे बहुत सी एप्लीकेशन आपकी सामने होगा, और इसमें से जो है आपको एमएक्स प्लेयर को ढूंढना है और उसके डेटा को आपको डिसेबल कर देना है। तो आप वाईफाई और मोबाइल डेटा दोनों को ही डिसेबल कर दीजिए, और बस इतना ही। अब बैक कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, एमएक्स प्लेयर की सभी डेटा को आपको क्लियर करना होगा। तो आप सिंपली जो है सेटिंग में आइए। सेटिंग में आने के बाद आपकी इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशन होती है उसे आप ढूंढ लीजिए। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल्ड ऐप में जाता हूँ, और इसमें आके जो है मैं एमएक्स प्लेयर को ढूंढ लेता हूँ। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पे एमएक्स प्लेयर है, और एमएक्स प्लेयर की मैं कैच डेटा को और जो है सभी डेटा को मैं क्लियर कर दूंगा। तो मैं इसकी कैच डेटा को क्लियर कर देता हूँ, और ऑल डेटा को मैं भी क्लियर कर देता हूँ। तो क्लियर कर देने के बाद फिर से मुझे रीओपन करना होगा एमएक्स प्लेयर को। तो मैं रीओपन करता हूं, और ओपन करने के साथ साथ मुझे परमिशन भी देना होगा। तो ऊपर एक नोटिफिकेशन आया, उसे आप जो है इग्नोर कर सकते हैं। और सभी परमिशन को देने के बाद देखिए, आप खोल लीजिए, आपकी एमएक्स प्लेयर ऑन हो चुका है। और आप फिर से इसे रिफ्रेश कीजिए, चाहे कितनी बार भी रिफ्रेश कीजिए, यहाँ पे एक बार भी आपकी एडवर्टाइजमेंट शो नहीं होगा, क्योंकि आप एमएक्स प्लेयर को जो है इंटरनेट ही नहीं दे रहा है, तो कैसे एडवर्टाइजमेंट शो होगा आपका। आप इंटरनेट इसमें डिसेबल कर चुके हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अभी भी जो है वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हूँ। देखिए, वाईफाई मेरा ऑन है, और मैं अगर कुछ भी करूँ, कोई भी एडवर्टाइजमेंट। तो यार, अगर आप लोगों को मज़ा आया तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दो, और अपनी दोस्तों के साथ भी शेयर करो इस वीडियो को। और ऐसे इंटरेस्टिंग एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार से जो है ऐसे लाइव हैक्स एंड एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्रिक्स लेके मैं आता रहूँगा। मिलते हैं आपसे एक अगली एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे देखते रहिए क्रिएटिव विजय। हैव ए नाइस डे।